हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। माय नेम इज ब्रोतो एंड यू वाचिंग डिजाइन हब ट्यूटोरियल। सो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली हाइव के बारे में बात करेंगे। ओके तो हाइव क्या होता है? हाइव क्या होता है? हाइव होता है एक डेटा वेयरहाउसिंग टूल, जो कि SDFS के बेस पे काम करता है। बेसिकली SDFS पे आप देखे हो मैप रिड्यूस जॉब रन होता है। उसके लिए जावा की जरूरत पड़ती है हमें। बट हमें जावा सीखना नहीं है। हम बेसिक हाइव क्वेरी से ही, बेसिक SQL क्वेरी से ही हम हाइव के कमांड्स रन कर सकते हैं, जो कि डायरेक्टली SDFS पे जाके रन होती है। मैप रिड्यूस जॉब बैकग्राउंड में रन करके वो अपना काम करके देती है। तो आज हम बात करेंगे हाइव ट्यूटोरियल्स के बारे में। हाइव के मतलब कौन से कमांड्स होते हैं, हाइव आप कैसे यूज कर सकते हो बेसिकली। ये हमारा टर्मिनल आ गया। यहाँ पे हाइव का वेयर हाउस है। तो हम हाइव को कैसे यूज कर सकते हैं टर्मिनल से। आपको टर्मिनल पे जाना है यहाँ पे। सिंपली आपको क्या करना है, आपको हाइव सिंपली करके एंटर करना है। ये डायरेक्टली हाइव के टर्मिनल पे चला जाएगा। कोई यूजर नेम पासवर्ड नथिंग इज रिक्वायर्ड। इन दिस हम वेट करते हैं तब तक वो चला जाएगा। इट्स टेक्स अ लिटिल बिट टाइम कि वो एंटर होता है ना टर्मिनल पे, थोड़ा सा टाइम लगता है। बट डोंट वरी, ये जब तक होता है तब तक मैं हाइव का आपको UI थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है ये, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये हाइव पे एंटर हो चुका है। तो हमें क्या करना है, हमें क्या कमांड्स यूज़ करना है। सपोज हाइव में कुछ डेटाबेसेस है तो हमें उसको कैसे देखना है। सिमिलर टू SQL, एकदम सिमिलर है। हाइव के कमांड्स होते हैं SQL, जैसे SQL का MySQL का SQL कमांड्स होते हैं, वैसे हाइव का SQL होता है, हाइव क्वेरी लैंग्वेज होता है। बट दोनों सेम है, ऑलमोस्ट सेम है दोनों। तो फॉर एग्जांपल आपको अभी देखना है कि हमारे डेटाबेस में कौन से टेबल्स है। तो पहले हम तो देखेंगे हमारे डेटाबेस में है क्या। शो डेटाबेसेस, सिंपली शो डेटाबेस करना है और एंटर कर देना है। तो हम देख सकते हैं हमारे जो भी मतलब डेटाबेस में है, डेटाबेस एक सुब्रोतो नाम का डेटाबेस क्रिएट हुआ है। तो हम इसको यूज करेंगे और देखेंगे इसके अंदर कौन से टेबल है। हम यूज करेंगे और फिर शो। डायरेक्टली शो टेबल्स करेंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ टेस्ट टू और टेस्ट थ्री नाम का टेबल बना हुआ है ऑलरेडी। टेस्ट टू और टेस्ट थ्री नाम का टेबल बना हुआ है। चलिए हम शुरू से टेबल्स बनाते हैं। पहले हम क्या करते हैं, ये टेस्ट टू को डिलीट करते हैं। तो उसके लिए क्या कमांड है, ड्रॉप टेबल टेस्ट टू। ये डिलीट हो चुका है। अब फिर से ड्रॉप टेबल टेस्ट थ्री, ये फिर से ड्रॉप हो गया, दो टेबल ड्रॉप हो चुका है। हम देखेंगे कि ड्रॉप हुआ है कि नहीं। तो शो टेबल्स, तो आप देख सकते हो कोई भी टेबल यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो हमारा टोटल डेटा जो बेस है वो खाली हो चुका है। हम न्यू टेबल क्रिएट करेंगे। हम न्यू टेबल क्रिएट करेंगे, सपोज क्रिएट टेबल, ठीक है। एंड टेबल का नाम दे देते हैं अपन XYZ, टेबल का नाम XYZ दे देते हैं। यहाँ पे हम रखते हैं ID, ID को हम रखेंगे इंटीजर। फिर फर्स्ट नेम को हम क्या रखेंगे, फर्स्ट नेम को हम स्ट्रिंग रखेंगे। और इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा हो चुका है क्रिएट। अब देखेंगे शो टेबल्स, तो हमारा XYZ नाम का यहाँ पे टेबल क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी। तो हम कुछ वैल्यूज इंसर्ट करेंगे इसमें, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू टेबल XYZ, ये टेबल को हम डिलीट कर देते हैं बिकॉज रॉन्ग कीवर्ड है। इंसर्ट इनटू XYZ वैल्यूज। तो हमारे यहाँ पे क्या था, आईडी सपोज मैंने 100 कर दिया। एंड फिर उसके बाद नेम हमको डालना है, फर्स्ट नेम। तो मैंने दिया कि यहाँ पे कॉमा। फिर यहाँ पे एक स्टार्ट किया और नेम दे दिया मैंने सुब्रोतो, मैंने राहुल नाम दे दिया, इसको क्लोज कर दिया मैंने। कॉमा, कॉमा दिया मैंने, दूसरा नाम दिया 101। देन अगेन कॉमा, अब मैंने दूसरा नाम दिया सुब्रोतो। फिर मैंने दिया कॉमा, फिर मैंने तीसरा नाम दिया, यहाँ पे तीसरा आईडी दिया 103। देन अगेन कॉमा, फिर
उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया, जैसे फॉर एग्जांपल अर्पण, मैंने अर्पण नाम दे दिया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे बंद कर दिया मैंने और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, मैप रिड्यूस जॉब बैकएंड पे चल रहा है। ओके, एंड ये क्रिएट हो चुका है। ओके, आफ्टर क्रिएटिंग हम ये शो करेंगे, देखेंगे कि टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं। ओके, तब तक चलने देते हैं मैप रिड्यूस जॉब को। तो हमारा ये हो चुका है। ओके, तो हम देख लेते हैं शो टेबल्स की टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं। ओके, एक्स वाई जेड टेबल है ऑलरेडी। ओके, देन सिलेक्ट स्टार, ओके, फ्रॉम एक्स वाई जेड। तो हम देख सकते हैं ये तीन हो चुका है। ओके, राहुल, सुब्रतो, अर्पण एंड देयर रिस्पेक्टिव आईडी। ओके, तो अब हमें क्या करना है, अब हम देखेंगे कि एक नया बेसिकली हाइव का टर्मिनल आया है, अब अपडेटेड हाइव का टर्मिनल आया है जिसको हम बी लाइन टर्मिनल बोलते हैं। ओके, तो ये जो स्टाइल है, ओके, दिखाने का स्टाइल है, ये टोटली आपका थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। ओके, मोर अट्रैक्टिव लगेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं बी लाइन। ओके, तो हम चल जाते हैं वापस से टर्मिनल पे। ओके, तो हम टर्मिनल पे चल जाते हैं। हम टर्मिनल पे जाके क्या सर्च करेंगे, हम करेंगे बी लाइन हाइफन यू। ओके, फिर जो भी आपका हाइव का लोकेशन, वेयर हाउस, डायरेक्टरी होगा, ओके, जो भी पाथ होगा वो आपको दे देना है, जो भी देखिए, फिर डायरेक्ट एंटर मारना है, डायरेक्टली बी लाइन टर्मिनल पे चला जाएगा। ओके, इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम, बिकॉज कोई भी चीज़ पे नया लॉगिन करते हो ना, तो थोड़ा सा टाइम लगता है उसको कनेक्ट करने में। ओके, सो स्टे पेशेंट एंड आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज आगे आने वाली वीडियोज़ में हम टोटल डेटा इंजीनियरिंग की बात करने वाले हैं। ओके, सो आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले। ओके, तो आप देख सकते हैं बी लाइन टर्मिनल पे एंटर हो चुका है। ओके, तो हम सिमिलर कमांड्स करेंगे, शो डेटाबेसेस। जो भी हाइव में डेटाबेस है वो यहाँ पे दिखाएगा आपको, ठीक है। तो आप देख सकते हो सुब्रतो नाम का एक डेटाबेस। आप स्टाइल थोड़ा देख सकते हो, ये माई एसक्यूएल की तरह थोड़ा सा स्टाइल हो गया। ओके, तो मोर अट्रैक्टिव एंड लुक्रेटिव थोड़ा सा लगता है। ओके, देन हम करते हैं यूज सुब्रतो। ओके, देन शो टेबल्स। ओके, जो भी सुब्रतो के अंदर टेबल्स है वो हमें दिखा देगा। ओके, यहाँ पे दिखा रहा है एक्स वाई जेड नाम की टेबल क्रिएटेड है। ओके, सो हमें क्या करना है यहाँ पे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्स वाई जेड। तो आप देख सकते हो देखने का मतलब पैटर्न थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से शो हो रहा है, यहाँ नॉर्मल हाइव पे। ओके, और यहाँ पे बी लाइन पे किस तरीके से शो हो रहा है। ओके, तो पैटर्न थोड़ा सा लिक्रेटिव लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट कमांड क्या होने वाला है, हमारा नेक्स्ट कमांड होने वाला है कि इफ़ आई क्रिएटेड अ टेबल। ओके, इफ़ आई क्रिएटेड अ टेबल एंड आई वॉन्ट टू डिलीट ओनली द टेबल। ओके, आई वॉन्ट टू डिलीट ओनली द टेबल, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम ट्रंकेट कर सकते हैं। ओके, उसका कमांड है सिंपली ट्रंकेट टेबल एक्स वाई जेड, सिंपली। ओके, तो हम अभी ट्रंकेट नहीं करेंगे, हम आपको ये दिखा रहे हैं कि हाइव का जो मेटा डेटा है, ओके, हाइव का जो मेटा डेटा है वो आप कहाँ पे स्टोर करते हो। ओके, बेसिकली हर चीज़ का एक मतलब मेटा डेटा होता ही है ना, जैसे यहाँ पे एक्स वाई जेड आई डी, ये सब मेटा डेटा है। ओके, और ये आपका डेटा है, तो ये मेटा डेटा कहाँ पे स्टोर होता है। ओके, ये हाइव का खुद का मेटा डेटा है जहाँ पे स्टोर होता है, और हमारे केस में ये माई सीक्वल पे है। तो हम फिर माई सीक्वल पे लॉग इन करके देखते हैं कि हाइव का मेटा डेटा वहाँ पे स्टोर है कि नहीं। ओके, तो हम जाएंगे माई सीक्वल। ओके, हम माई सीक्वल पे एंटर हो चुके हैं। ओके, हम यहाँ पे सिमिलर कमांड रन करेंगे,
जो भी डेटाबेस है यहाँ पे माई सीक्वल से, ओके तो हम देख सकते हैं यहाँ मेटा स्टोर नाम का एक डेटाबेस है क्रिएटेड है, ओके तो हम क्या करेंगे, यूज मेटा स्टोर, ओके यूज मेटा स्टोर, डेटाबेस चेंज हो गया यहाँ पे, ओके तो हम क्या करेंगे अभी शो टेबल्स, ओके हमारा मेटा डेटा में जितनी भी टेबल था ये हमें देख चुका है, ओके तो यहाँ पे एक TBLS नाम का एक टेबल है, ओके यहाँ पे एक TBLS नाम का एक टेबल है, यहाँ पे हमारा हाइव का मेटा डेटा स्टोर होता है, तो हम ये भी देख लेते हैं, ओके सिलेक्ट स्टार फ्रॉम TBLS, ओके देन एंटर, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएटेड है, ओके XYZ नाम का एक टेबल क्रिएटेड है, ओके और ये इंटरनल टेबल है, मैनेज टेबल है, और जो भी मेटा डेटा का इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ओके डायरेक्टली, ओके सो आप अगर ये टेबल ड्रॉ आप अगर बी लाइन टर्मिनल पे या हाइव टर्मिनल पे अगर ये टेबल डिलीट कर देते हो, फॉर एग्जाम्पल ये इंटरनल टेबल है, ओके इंटरनल और एक्सटर्नल टेबल के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ इतना बता रहे हैं अगर आप इसको डिलीट करते हो इस टेबल को तो मेटा डेटा भी डिलीट हो जाता है, ओके वो होता है इंटरनल टेबल, ओके सो आज के लिए इतना ही, और आगे आने वाली वीडियो में हम और अच्छी तरीके से बात करेंगे अबाउट हाइव टर्मिनल और भी क्या क्या कमांड्स हो सकते हैं, ओके सो डेफिनेटली स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ओके एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।